हाय गाइस, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग होने वाला है, वैसे तो न्यू ईयर व्लॉग कर रही हूँ बट अभी तक हमारा न्यू ईयर का कुछ नहीं पता हम क्या करें। वैसे तो हमने तीन कपल ने, मैंने, जसमीत ने, सायमा ने और अक्षय भी हमारे साथ, हमारी बुकिंग हो गई थी कल रेडियो स्टेशन की, जहाँ पर मेरा बर्थडे का व्लॉग आप लोगों ने देखा। सॉरी, मुझे हिचकी लगी है, पता नहीं क्यों मुझे याद कर रहा है। इसको देखो, वैसे ही रूम की स्लीपर्स है बट फिर भी यार मुँह पे थोड़ी लगानी चाहिए। ये देखो। हेलो, फोन है ये, कुछ भी करती है लड़की। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग तो, बट हमारी वहाँ की बुकिंग हो रखी थी बट अभी हम लोगों ने सुबह उठकर देखा कि 11 से 6 बजे तक का कर्फ्यू लग गया है और अभी वहाँ से भी कुछ कंफर्मेशन नहीं आ रही है बिकॉज वो लोग सारे लाइसेंस क्लब हैं, तो वो लोग भी बात बात कर रहे हैं एसएचओ वगैरह से, तो हमें 1:30 बजे तक कंफर्म होगा। तब तक देखते हैं, ब्लॉग तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी मायरा की भी सुन लो भाई। सबसे पहले मैं मायरा को निलवा रही हूँ और मायरा पहन रही है अपनी H&M की, मैंने इसके लिए कोच सेट लिया था तो मैं यही डाल रही हूँ उसको, और फिर उससे मैं भी नहा लेती हूँ और उसके बाद फिर मिलती हूँ। देखते हैं कैसे कैसे आज ये व्लॉग जाएगा, क्योंकि हमारी तो वहीं की सारी प्लानिंग थी, अगर एंड टाइम पे कैंसिल हो गया तो हम क्या करेंगे कुछ नहीं पता है। देखते हैं फिर क्या होता है। मायरा तो हमारी नहाकर रेडी हो चुकी है लेकिन अभी हमारा न्यू ईयर का सीन का कुछ नहीं पता बिकॉज कर्फ्यू लग चुका है, जैसे कि आप लोगों को पता है 11 से 6 बजे तक का। बट हमारी पार्टी अभी 50-50 पे है कि वो होगी या नहीं, बट अब मैं चाहती हूँ कैंसिल ही हो जाए। वैसे भी बच्चे अलाउ नहीं है उस पार्टी में, तो मायरा को मुझे छोड़कर ही जाना था और मायरा को छोड़कर जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। कैंसिल ही हो जाए अब तो अच्छा है ना मायरा। पर प्रॉब्लम ये है ना, घर पर भी कुछ ऑर्डर नहीं कर सकते, घर पर भी कुछ नहीं डिलीवरी होता उस दिन, मतलब न्यू ईयर नाइट 31st को। दीदी माफी मांग रही है, ये लो कर दिया माफ। मायरा खुशहाली किस लिए मांग रही है माफी मुझसे? लो करता रही है वो, मेरे कलेजे के फेफड़े, मेरे गुर्दे, मेरी किडनी। सो गाइस, मैं नहा ली हूँ और जैसे कि मैंने बताया हमारी पार्टी हो रही है, हम पार्टी में जा रहे हैं फाइनली, और मायरा को नहीं लेके जा रहे बिकॉज बच्चे अलाउ नहीं है। और हमारी टाइमिंग है 9 से 1 बजे तक की पार्टी है बट हम ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी मायरा के पास आ जाए। और ऐसा नहीं, मैं पहली बार मायरा को छोड़कर जा रही हूँ इतनी देर के लिए, बट हाँ एक चीज़ अलग है कि मैं किसी पार्टी में पहली बार मायरा के बिना जा रही हूँ। आज तक 2 साल होने वाले मायरा को हुए, आज तक मायरा को कभी किसी पार्टी में भी अकेले नहीं छोड़ के गई, यहाँ पे भी नहीं जाती, अगर बच्चे अलाव होते मैं पक्का लेके जाती। इस ईयर भी हमने न्यू ईयर घर पे करा और इस ईयर भी घर पे करते तो फिर मैं आप लोगों के साथ कुछ भी अच्छा कुछ शेयर नहीं कर पाती और घर पे फिर बहुत मेहनत हो जाती और थकान भी होती। तो मेरा मन था कि कुछ पार्टी करने, इस पर बहुत लोग बोलेंगे भी कि कैसी माँ हो अपने बच्चे को छोड़ कर चली गई, तो कोई बात नहीं, वो कोई नहीं समझ सकता कि मुझे कैसा लग रहा है इस वक्त मायरा को छोड़कर जाने में। मैं बार बार उससे माफ़ी मांगे जा रही हूँ। बच्चे को छोड़ के जाना बहुत सही है लेकिन आपकी अपनी भी थोड़ी लाइफ होती है, आपको थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए। मैं बहुत टाइम बाद मायरा के बिना किसी पार्टी में जा रही हूँ तो मैं आराम से इंजॉय करूँगी, शायद मुझे ऐसा लगता है। और दीपू ने भी बोला, दीपू को मैंने पूछा, दीपू ने कहा तो क्या हो गया यार, थोड़ी देर की तो बात है, कल तो हम पूरे दिन मायरा के साथ ही रहेंगे ना। बट मुझे अभी भी अंदर से थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है क्योंकि देखो ना, माँ का दिल तो माँ का दिल ही होता है ना, वो दीपू नहीं समझ पाएंगे। बाकी मैं भी जा रही हूँ ग्लैम फैक्ट्री मेरे को नेल्स करवाने, क्योंकि एक शूट भी है आगे, उसके लिए भी मेरे को नेल्स चाहिए थे, तो मैंने सोचा अभी करवा लेती हूँ ताकि न्यू ईयर पर भी काम आ जाए, पिक्चर्स अच्छी आ जाती है ना, तो हाथ सुंदर लगते हैं।
प्रेजेंटेबल लगते हैं, तो इसलिए मैं नेल्स करवा रही हूँ। और मेरे को हेड वॉश भी करवाना है, जिसमें इतनी निकल गई है। मेरी अपॉइंटमेंट 4 बजे की थी, तो अभी मैं पी रही हूँ नहा के चाय, और उसके बाद मैं निकल जाऊँगी। फिर आकर आप लोगों से मिलती हूँ, अपने नेल्स दिखाती हूँ, कैसा कुछ करवाऊँगी, देखते हैं। अभी मैंने कुछ सोचा नहीं, वहाँ पर जाके बहुत कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ मैं कि मैं कैसे नेल्स करवाऊँ। बहुत गंदी वाली ठंड हो रही है, मैं निकल रही हूँ नेल्स कराने के लिए, और ऑटो से बहुत ठंड हो रही है। Let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, I see you. Maria, right now. You look into my eyes. मैंने अपने नेल्स करवा लिए हैं ग्लैम फैक्ट्री बाय कोमल से, और मुझे मम्मा का फोन आ गया था कि अंडे खत्म है, तो मायरा के लिए अभी ले आ, वैसे दीपू ट्रे ले आएंगे, बट मायरा सोकर उठेगी तो बिल्कुल अंडे खत्म है, तो मैं बस वही लेने जा रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ रास्ते के लिए, देख लो मैं कहाँ कहाँ से जा रही हूँ। मुझे अंडे और मम्मी बना रही है दही बल्ले, उसके लिए पापड़ी लेके जानी है घर पर। मैं दिखनी हुई अगर मैं शॉर्टकट से जा रही हूँ, मुझे ना इस तरह की जो जाली होती है ना, इस पर चलने में बहुत डर लगता है, डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसा लगता है कि टूट जाएगी और मैं नीचे गिर जाऊँगी। क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है तो मुझे बताना कॉमेंट करके। और ये हम आ गए हैं स्टैंडर्ड पापड़ी लेने। भैया पापड़ी है, पापड़ी 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 है भैया, पापड़ी है दे दीजिए। अंडे और पापड़ी, मेरे अंडे नहीं मतलब मुर्गी के अंडे और पापड़ी। और उसको पता चल गया, मैं अभी पहले दरवाजा खोल दिया ताकि मैं बेल बजा के मायरा को डिस्टर्ब ना करूं। आते सबसे पहले हाथ धोए हुए तक मैंने मायरा को भी नहीं देखा, मैं सीधा रूम में आ गई। मैं सबसे पहले मैं दिखा दी थी, मैंने थोड़ी सी चीज़ें लिया मायरा के लिए और अपने लिए मास्क भी ले लिया मैंने, मैचिंग का ग्रे कलर का कुछ पहन रही हूं। मैंने कुछ ऐसे से नेल्स करवाए हैं ग्लैम फैक्ट्री बाय कोमल से। कैसे लग रहे हैं? कतई जहर लग रहे हैं। कतई जहर। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा सकते हैं। बहुत अच्छे नेल्स करते हैं और बाकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी होती है उनके वहाँ, सारी सर्विसेज अवेलेबल है। इनफैक्ट दीदी ब्राइडल मेकअप्स वगैरह भी करती है, तो आप अपना किसी भी ओकेजन का मेकअप भी करवा सकते हैं। तो मैंने कुछ ग्रे कलर का मास्क लिया। कैसा लग रहा है? जहर करावे तू, जहर देखा मेरा डायलॉग। अच्छा ठीक है, मैं तो ना खो ही जाती हूँ भावना में। ओके नेक्स्ट मैंने ली है मायरा के लिए ये क्लिप, कैसी लग रही है? नेक्स्ट मैंने ये वाले लिए हैं, नेक्स्ट एक और सिंगल ये वाला लिया है, और नेक्स्ट ये दो पेयर लिए। मैं ले लेती हूँ, मुझे लेने का इतना शौक है, बट वो बिल्कुल नहीं लगाती है, निकाल निकाल के बालों में से फेंक देती है। मैंने देखा है वो कैसे निकालती है, क्योंकि मुझे तो अपने शौक पूरे करने हैं। ओके और दीपू आने वाले हैं। दीपू ने कि ना मेरी थोड़ी सी सुबह उनसे बहस हो गई थी, तो वो थोड़ा सा गुस्सा होकर चले गए, तो मैं उनको पटाने के लिए कुछ बनाने वाली हूँ। आप लोग समझ गए होंगे दीपू के फेवरेट ब्रेड रोल, वो निकल गए। मैं फटाफट से उसकी तैयारी कर लेती हूँ और मायरा को भी मिल लेती हूँ। मैंने बनाया दही बल्ले, ये बन रही है सूप। अच्छा ये सूप है चुकंदर का। ब्रेड रोल भी खुआएंगे ना, हैरान हो गया कैसे हो गया। कल पूछ ले खाने भी है कि नहीं खाने। अरे ब्रेड रोल, भरा पेट होगा ना तब भी खा लेंगे। दीपू इधर आओ, जल्दी आओ, एक चीज दिखानी है। क्या क्या बात है, दही बल्ले बन रहे हैं मुझे मिलूंगी तो उसको किसिया कर देखो। नहीं नीचे वाला टूटा हुआ नहीं है, नहीं सही है। ब्रेड नहीं लगा रही दीदी, ब्रेड क्रम्स डाले ना इसमें। मेरा फेफड़ा, मेरा गुर्दा, मेरी किडनी, सोने दो। तभी मैम नहीं मिल रही थी, मैं रह पाऊंगी इससे।
रही हूँ, माफी कैसे मांगती हूँ, मुझे तो इस बात पर हंसी आती है। भैया इधर आओ। ये हमारे हो गए हैं ब्रेड रोल रेडी। कैसे लग रहे हैं दीपू? बेहतरीन। हमारी क्वीन उठ गई है। कह रही है गम। बिना मिर्ची नहीं है, हमारे को खिला दूं? हाँ खिला दो, उसमें मिर्ची नहीं है बिल्कुल। गाइस हम लोग ऊपर आ गए हैं, सेकंड फ्लोर जहाँ रेंट पे था वो खाली हो गया, तो हम यहाँ पे रेडी हो रहे हैं। कलर भर गए वाला काजल मैंने आप लोगों के साथ हॉल में शेयर करा था, फाइनली मैं इसको अब लगाने जा रही हूँ और देखते हैं कैसा काम करता है। कलर बार का है ये, मुझे चाहिए होगा इसके लिए लगाने के लिए मिरर। मैं इसको अपर वाटर लाइन पे लगा रही हूँ। वाओ अच्छा है, तो क्रीमी क्रीमी सा है। बाकी देखते हैं लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं, वो तो थोड़ी देर बाद पता चलेगा। मायरा का मेकअप चल रहा है, पीछे देखो दीदी क्या कुछ लगा रही है। ओ तेरी, इसने ये कहाँ से उठाया मायरा? इधर सुनो मेरी बात। वो आप लोगों को देख के आई, इस पे वो खुद ही मेकअप कर रही है। हेलो हेलो, अब मैं करने जा रही हूँ फेस मेकअप, जिसके लिए मैं ले रही हूँ क्लिनिक का फाउंडेशन थोड़ा सा, और इसे मैं मिक्स करूंगी अपना एले गर्ल प्रो एचडी का फाउंडेशन, बिकॉज ये कलर मेरा फेवरेट है। सो गाइज यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ, आप काजल हो गया, फाउंडेशन हो गया, इन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप क्लिक करके इजिली इनको बाय कर सकते हो। और अभी पर्पल पे चल रही है अप टू 50% का ऑफर, तो एक्स्ट्रा 10% का ऑफर भी मिलेगा अगर आप स्क्रीन पर दिए हो मेरा कूपन कोड GET100 अगर ये आप अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट यूज़ करें सबके लिंक मैं दोबारा बता रही हूँ दे दूँगी, और वेट फॉर पार्ट टू जिसमें मैं दिखाऊंगी कि मैंने कैसे न्यू ईयर सेलिब्रेट करा मायरा के साथ भी और नाइट वाली पार्टी में भी। तो या आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, गिव अ बिग थम्स अप अगर पसंद आया, और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।